और यह एक भर्तियों का, ये भी अपने को पता है कि भर्तियां हम लगातार पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, वो जो पर्ची खर्ची सिस्टम था वो बिल्कुल चलता नहीं था। कुछ बातें उसमें जो ध्यान में आई कि बहुत से ऐसे गिरोह ध्यान में आए हैं, पकड़े गए हैं, जो उसमें कहीं ना कहीं लीकेज कराने में वो माहिर हैं। जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं कि यानी जो पुलिस सिपाही भर्ती हुई उसमें जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करके इस समय तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक पेपर में 70 आरोपी, यानी कितना बड़ा नेटवर्क होगा ये, इसमें से ध्यान करने की बात है। एसटीएफ ने पिछले 3 महीने में 3 बड़े ग्रुप जो पकड़े हैं उसमें 26 आरोपियों को और जो है इसके अलावा और पकड़ा है। ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई उसमें भी 7 मुकदमे दर्ज किए गए, 64 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, लेकिन हमने उनके सब के नेटवर्क काट दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और मैं अब दावे से कह सकता हूं कि अगली कोई परीक्षा होगी उसमें किसी प्रकार का कोई लूप होल नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब अगली भर्तियां बहुत जल्दी होंगी, ग्रुप सी की भी होंगी, ग्रुप डी की भी होंगी, ए बी की भी होंगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी करेगा और एचपीएससी भी करेगा। उन्होंने अपने सिस्टम को भी ठीक कर लिया।